हेलो, गुड मॉर्निंग आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो हैप्पी होली। देखिए यहाँ कटहल का सब्जी भी बनने तैयार। तो आज देखिए क्या क्या होता है। हेलो, गुड मॉर्निंग आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज है दिन शनिवार और होली और हम लोगों का नया साल शुरू। तो आप लोग बताइए आप लोग कैसे हो। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आ गए हैं खाना बनाने। तो लाइट अलग पड़ता है। तो खाना बनाने के लिए अभी सुबह का सब्जी बना ले रहे हैं और दाल चावल और कुछ बनाना रहेगा तो फिर उल्टी टाइम बनाएंगे, क्योंकि अभी सुबह सुबह तो कोई पुआ पूड़ी खाएगा नहीं। कोई मतलब हम ही लोग दो हैं तो इनको तो उतना है नहीं, बनाएंगे तो उल्टी टाइम। अभी दाल चावल बनाते हैं। तो कटहल काट लिए हैं, कटहल का सब्जी अभी ही बना ले रहे हैं। असली पुआ पूड़ी बनाना रहेगा तो हम लोग यहाँ होली में पुआ पूड़ी जरूरी रहता है। मतलब शुरू से यही बनते ही आ रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि पुआ पूड़ी बनता है तो बनाते हैं। कुकर गरम हो गया है। अब इसमें ऑयल डाला जाएगा और इसमें धनिया पाउडर, गुल के जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर और इसमें प्याज पीस लिया। ये सब्जी है और ये प्याज का फोरन डालेंगे। तो आप लोगों को फिर से एक बार हैप्पी होली और नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। सबका दिन मंगलमय हो, सबका दिन खुशियों से भरा हो, सबका दिन स्वस्थ और सुरक्षित रहे सब लोग। बस ईश्वर से यही कामना है। आप सब भी देखिए बिहार झारखंड में होली कैसे मनाया जाता है। तो होली का शुरुआत देख लीजिए, ये हमारे बगल में है। सब लोग अपने आंगन में ही कीचड़ कीचड़ कर लिया है और उसी में पूरा कीचड़ से सब होली खेल रहा है। लोग डांस कर रहा है, गाना बज रहा है। और होली तो जिस दिन से शिवरात्रि होता है ना, उसी दिन से होली शुरू हो जाता है। मतलब जिन लोगों को शौक है वो शाम के समय अपने घर में लोग दरवाजे पे होली गवाते हैं। उसी दिन से जिसको शौक है अपना, कभी किसी के घर कभी किसी के घर होली का प्रोग्राम चलते रहता है। मतलब वहाँ नाश्ता पानी चलते रहता है, होली गवाते रहता है और ये आज लास्ट हो जाता है। तो वही होली चल रहा है और होली के शुरुआत देखिए मेरे बगल में ही है। सब वो डांस कर रहा है, होली खेल रहा है और सब खुद ही अपना ही परिवार है। बेटी है, बेटा है, बहू है, नाती नतनी है, पोता पोती है, सब अपने ही परिवार में लोग खेल रहा है। अरे का दो जन मोहल्ला के लोग को भी पकड़ पकड़ के ला के डाला है पूरा अच्छे से। तो इस तरह से सुबह में या तो कलर अबीर से खेलेगा सब, मतलब गीला वाला कलर। सुबह का होली गीला, उसके बाद फिर सब नहा धो लेगा अच्छे से, साफ सुथरा हो जाएगा, उसके बाद नया नया कपड़ा पहनेगा, फिर शाम को गुलाल अबीर से लोग शाम को होली खेलते हैं।
करते इस तरह से बिहार झारखंड में, तो होली खेलते हैं। और गाना बजाने का तो जिसका जो भी है, जो भोजपुरिया है तो भोजपुरिया, नागपुरिया है तो नागपुरिया, जिसका जो अपना क्षेत्रीय भाषा है अपना लोग बजाता है, डांस किया, खाया पिया, तो फुली इंजॉय करता है सब लोग। सब आस पड़ोस में भी है, उन लोग भी आके अपना आके क्या, उन लोग को पकड़ पकड़ के लाके गोद दिया है एकदम मिट्टी में। तो देवर भाभी है दोनों दोनों डांस कर रहा है लोग, भौजाई को बोल रहा है डांस करने। तो हम लोग तरफ इसी तरह से होली लोग मनाता है, क्योंकि सुबह में सब गीला होली खेलेगा, या तो कादो मट्टी से और नहीं तो फिर गीला कलर रंग घोल के उससे सब खेलेगा। तो रंग से जल्दी नहीं खेलना चाहता है कि वो केमिकल रहता है तो उसमें दिक्कत होता है। देवरानी जेठानी है, सूट वाली और लड़का जो है डांस कर रहा है, वो लोग हस्बैंड वाइफ है। और वो हो गया भाभी हो गई, लोग सब मिलकर अपना डांस कर रहा है और अच्छे से होली मना रहा है। देखिए कैसे कैसे करके सब होली खेलता है, मतलब किसी को कलर सबको एक रंग में रंगना है, कोई अलग नहीं दिखना चाहिए, इसी को कहते हैं प्रेम। मतलब सब एक रंग में रंग जाओ, पहचान में भी ना आए कि कौन क्या है। तो हम लोगों का धर्म यही सिखाता है कि सब एक भाव में रहो, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, ना कोई गोरा ना कोई काला, बस सब एक है। तो यही है। और दूसरा चीज देखिए, मोहल्ला के लड़का को पकड़ के ला रहा है सब, उनको तो दिया उसको भी। आंगन में ही कादो कर दिया सब, और तो और जो अगर नया नया शादी हुआ है, दामाद अगर नया आया है उसको गति है, नया शादी होकर अगर बहू आई है तो उसका भी गति है। दामाद बेचारा जल्दी कुछ कर नहीं सकता है, उसको सब मिलके जितना साला साली लोग हैं सब मिलके उसको भी गोद देता है पूरा, या तो कीचड़ कादो से या नहीं तो फिर कलर से। और फिर अगर नया बहू है उन लोग को भी, तो हम लोग में है परंपरा कि नया नया शादी हुआ है तो अगर बेटी मायके में है तो दामाद आएगा, सारा घर का कपड़ा लत्ता लेके और मिठाई, अपना वाइफ का कपड़ा लेके, और सबके लिए मतलब कपड़ा लेके आना है और कलर खेलता है सब। देखिए कैसे कैसे सब सब खुशी का माहौल है। एक तो मौसम चेंज होता है और फिर रंगों का त्योहार होली है।
वहाँ भी 15-20 लड़का लोग सब मिलके अपना सामने वाला बारी में कादो कर लिया। इस तरह से खेलना है कि याद रहे कि हम लोग खूब मस्ती किए थे। ये कितना मस्ती हो रहा है। और ये उन्हीं लोग आई तो हम लोग दोनों को भी कलर लगा दी जो मेरे घर के दोनों बच्चे डांस कर रही थी। उसको नहा धो के आ गए थे। ये है पुआ का घोल नॉर्मल और ये है मालपुआ का घोल। ये नॉर्मल मालपुआ के लिए चाशनी भी तैयार होती है और ये मालपुआ वाला पंजे निकाल के चाशनी में डालते हैं। ये हो गया चाशनी वाला पुआ, डाल दिए चाशनी में। शाम के समय सब नहा धो के एक दूसरे के घर जा जाते रंग अबीर लगाते हैं और पुआ पकवान खाते हैं। मतलब तो इस तरह से हम लोग के होली मनाया जाता है। और होली तो कहाँ नहीं मनाया जाता, सभी जगह थोड़ा थोड़ा सा सब चीज का अलग होता है लेकिन मनाया सब जगह जाता है। और ये मेरा नहीं बेटा, ये तो साथे साथे रहेगा। देख रहा है इतना सारा आदमी है। सबसे पहले सब छोटा छोटा जितना बच्चा था उन लोगों को कलर लगा दिया। फिर उसके बाद और लोग भी आए थे लेकिन जो लोग नहीं आना चाहते हैं तो उन लोगों को नहीं लिए, छोड़ो। खाना नहीं पसंद है तो क्यों। तो चलिए देखिए फिर मिलेंगे एक अच्छे से नए ब्लॉग में। तब तक के लिए होली एंजॉय कीजिए, देखिए और हमको सपोर्ट कीजिए। फिर मिलेंगे एक अच्छे से नए ब्लॉग में। तब तक के लिए हैप्पी होली, खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।